बायोटिन खाया, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन तो ले ही रहे होगे। चलो वो सब छोड़ो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मत खाओ, ये पाउडर है, रोज खा लेना। एवरीवेयर यू गो देयर आर सप्लीमेंट्स जो तुम नहीं खा रहे हो एंड जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी कमजोर हो रही है। वेल यू नो व्हाट दे से, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 1920 में कैसिमीर फंक डिस्कवर्ड कि कुछ चीजों की कमी से कुछ बीमारियां जैसे कि बेरी बेरी एंड स्कर्वी हो रही थी। ही कॉल्ड देम वाइटल अमाइन्स और विटामिन्स, एंड देन धीरे धीरे विटामिन ए बी सी एंड डी डिस्कवर हुए। दिस वाज द सेम टाइम व्हेन अमेरिकन पब्लिक की हेल्थ काफी ही खराब थी। बस फिर क्या था, कंपनीज जंप्ड इन, एंड क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी एक प्रॉब्लम थी, एवरीबॉडी स्टार्टेड सेलिंग मैजिक पिल्स। मर्दाना ताकत और जवानी का वादा अगर तुम्हें लगता है सिर्फ इंडिया में बिकता है, देन यू आर मिस्टेकन। मार्केट में अप्रूव्ड, नॉन अप्रूव्ड, बिना किसी रिसर्च के विटामिन्स बिक रहे थे। एंड देन जो विटामिन सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल से मिल रहे थे, वो अब सिंथेटिकली लैब में भी बनाए जा सकते थे। कॉस्ट फॉर मेकिंग विटामिन्स ड्रॉप। तो फिर क्या था, विटामिन्स फ्लडेड द मार्केट, हर चीज के लिए एक पिल और एक पिल हर चीज के लिए। वुमेन वर टारगेटेड, सेलिब्रिटीज रोल्ड इन, इवन कार्टून्स तक विटामिन्स बेच रहे थे। एंड 10 एसेंशियल विटामिन्स। 50 years later, people are still selling magic beans for everything. Well, there is very few research कि extra vitamins help करते हैं या नहीं. I am no one to tell you. तुम अपने doctors की सुननी चाहिए. I am just telling a story. And अगर तुम्हें और story सुननी है, तो you can follow.